बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू एवरीवन? होप सो यू आर फाइन। आई एम टीचर ऑफ मॉन्टेसरी। नाउ जैसे कि आप सब पेरेंट्स को पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म ख़त्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपने अपना फर्स्ट टर्म का तमाम काम अच्छी तरह से लर्न किया है और उसकी प्रैक्टिस भी की है। आज हम सेकेंड टर्म कि मैथ की बुक से स्टार्ट लेंगे, सेकेंड टर्म स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए हम मैथ की बुक से स्टार्ट लेते हैं। नाउ वी रीड द पेज नंबर 13। लुक एट दिस पेज, देयर आर टू मैनी कीज। ओके, हाउ मैनी कीज देयर आर, डू यू नो? ओके, नो, लेट्स वी काउंट देम। अब सब बच्चे मेरे साथ काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा ये इतनी सारी कीज़ हैं, कैसे पता चलेगा? काउंट करके। ओके, सब बच्चे मेरे साथ स्टार्ट करें काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देयर आर 11 कीज़। हाउ मैनी कीज? 11 कीज। यहाँ देखें, 1, 1, 11, 1, 1, 11, 11 कीज। हाउ मैनी कीज? 11 कीज। आप सब पेरेंट्स से दरख्वास्त है, जब भी बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्ट आप काउंट करवाएं तो उसको वन ऑब्जेक्ट पे वन टाइम काउंटिंग करवाएं। जैसे कि ये देखें, 1, 1 ऑब्जेक्ट है 1, नेक्स्ट 2, 3, 4, 5। बिकॉज समटाइम बच्चा ऐसे करता है कि वो ऑब्जेक्ट्स को जब काउंट करना होता है तो वो काउंटिंग प्रॉपर नहीं करता है। लाइक दिस, ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो जल्दी से काउंटिंग करता है जिसकी वजह से उसको बिल्कुल भी काउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको कैसे काउंट करना है या वन ऑब्जेक्ट पे वन टाइम काउंटिंग करनी है। आप पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि अपने बच्चे को गाइड करें कि वन ऑब्जेक्ट पे वन टाइम काउंट करें, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह आपने अपने पेज को अच्छी तरह से रीड करना है। अब हम पेज नंबर 13 हमने रीड किया, सिमिलरली हम पेज नंबर 14 रीड करेंगे। ये देखें, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे देखें, देयर आर ऑरेंज। ओके, हाउ मैनी ऑरेंज? वी डोंट नो। कैसे पता चलेगा हमें ये कितने ऑरेंज हैं? काउंट करके। कैसे पता चलेगा? काउंट करके। ओके, जैसे कि पिछले पेज में हमने काउंटिंग की है ऑब्जेक्ट्स की, इसी तरह हम इन ऑरेंज को भी काउंट करेंगे। मेरे साथ सब बच्चे काउंटिंग स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. There are 12 orange. How many orange? 12 orange. ये देखें, यहाँ पे 1, 2, 12, 1, 2, 12, 1, 2, 12 orange, 1, 2, 12 orange. How many orange? 12 orange. इसी तरह आपने अपने बोथ पेजेस को अच्छी तरह से लर्न करना है, 11 एंड 12। बुक रीडिंग के साथ साथ अब हम वर्कशीट का काम स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट का पेज नंबर 39 स्टार्ट करेंगे आज हम 39 से। ये देखें, पेज नंबर 39, टॉपिक इज ट्रेस एंड कलर। ओके, जैसे कि हमने फर्स्ट टर्म के वर्कशीट का तमाम काम कंप्लीट किया था, सेम हमने ट्रेसिंग का पैटर्न भी फॉलो किया था। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आज सेकेंड टर्म की वर्कशीट का पेज नंबर 39 स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 39 पे नंबर इज 6। ओके, कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट लाइक दिस। आपने अपनी पेंसिल को स्लो स्लो मूव करना है, इस डॉट को इस डॉट से, इस डॉट को इस डॉट से आपने स्लो स्लो मैच करना है। होप सो कि आपने फर्स्ट टर्म की वर्कशीट में अपनी पेंसिल की ग्रिप बहुत अच्छी कर ली है। ये देखें, इस तरह से
बहुत ही आराम से और ध्यान से आपने काम करना है। ये देखें, इस तरह से डॉट टू डॉट मैच करना है आपने अपनी पेंसिल को यूं मूव करते हुए। ये देखें, एंडिंग पॉइंट तक आ गए। ठीक है, नंबर सिक्स, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सिमिलरली देखें पेज नंबर 39 पे 6, हम इस 6 को भी ट्रेस करेंगे। ओके, और इसी तरह आपने ये देखें 6 स्पैरोस, हाउ मैनी स्पैरोस, 6 स्पैरोस। ये देखें 1 2 3 4 5 6, देर आर 6 स्पैरोस। स्पैरोस में आप देखें प्यारा सा कलर कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे आप इसके रेड कलर इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें आराम से, बहुत ही ख्याल से आपका कलर बाहर ना आए। और इसी तरह आप स्पैरो में येलो कलर कर सकते हैं। कलर करने से आपकी वर्कशीट का ये पेज बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखें, बहुत आराम से और ध्यान से आपने अपना काम करना है यूं। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40, टॉपिक इज काउंट एंड राइट। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले पेज पे नंबर 6 ट्रेस किया है, इसी तरह हम इस उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस पेज पे भी नंबर 6 ट्रेस करेंगे। ये देखें, सबसे पहले हम जब ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे, हमने यहाँ से ट्रेसिंग स्टार्ट नहीं करनी। ये देखें, टॉप पे 1 ब्लॉक दिया गया है, इस ब्लॉक में देखें आपने, आप देखें नंबर 6 ट्रेस करना है हमने। ठीक है, ये देखें, कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ये बहुत ही स्मॉल है और आपने इसको बहुत ही ध्यान से करना है। ये देखें इस तरह से। ओके, नंबर 6, ओके, ये देखें 6 chicks, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह आपने अपने इस फुल पेज की प्रैक्टिस भी करनी है। ये देखें, मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपने स्टार्टिंग पॉइंट से यूं पेंसिल को स्लो स्लो मूव करना है और आपने एंडिंग पॉइंट तक आना है इस तरह से। ठीक है, आपने इसी तरह अपने इस पेज की प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। ये देखें यूं, ओके, इसी तरह आपने 1 लाइन 2 लाइन फुल पेज ट्रेस करना है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास फुल वीक है, पूरा हफ्ता है, हमने पूरे हफ्ते में अपने इस काम के टास्क को कंप्लीट करना है, इसलिए आप स्लो स्लो अपने इस वर्क को कंप्लीट कर लें। ठीक है, इसी पेज की प्रैक्टिस करने के बाद अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 41। ओके, पेज नंबर 41 करेंगे हम ट्रेस एंड कलर। टॉपिक इज ट्रेस एंड कलर, पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 पे देखें नंबर इज 7, आज हम ट्रेस करेंगे 7। जैसे कि पिछले पेज पे हमने ट्रेसिंग का पैटर्न फॉलो किया है, उसी तरह अब हम इस पेज की भी प्रैक्टिस करेंगे। कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट आपने अपनी पेंसिल को मूव करना है डॉट टू डॉट इस तरह से। ओके, स्ट्रेट लाइन, देन आपने फिर स्लिपिंग लाइन को करना है। ये देखें, स्लांटिंग लाइन को, सॉरी, ये देखें इस तरह से। ओके, स्लांटिंग लाइन, 1 स्लिपिंग लाइन 1 स्लांटिंग लाइन, इट्स मेक 7। ओके, 1 स्लिपिंग लाइन 1 स्लांटिंग लाइन, इट्स मेक 7। सिमिलरली 7 आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस 7 को भी ट्रेस करना है। 7 balls, हाउ मैनी बॉल्स, 7 balls, काउंट करें मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह आप 7 balls में कोई सा भी कलर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्काई ब्लू कलर करके दिखाऊंगी। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल है, इसलिए आपने बहुत ध्यान से और ख्याल से इनके अंदर कलर करना है। ये देखें, आपका कलर बाहर नहीं आना चाहिए। आप पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि जब बच्चा कलर्स करे तो आप बच्चे को कलर में फुल गाइड करें। ठीक है, कलरिंग में बच्चे को गाइड करें। इसी पेज के साथ आज हम पेज नंबर 42 स्टार्ट करेंगे।
पेज नंबर 42 पे देखें, जैसा कि पिछले पेज पे हमने नंबर 7 ट्रेस किया है, इसी तरह पेज नंबर 42 पे काउंट एंड राइट हम काउंट भी करेंगे और इस पेज पे 7 को ट्रेस भी करेंगे। ये देखें, जैसा कि टॉप पे आप देखें वन ब्लॉक आपको दिया गया है, इसमें 7 नंबर राइट है, आपने पहले इसको ट्रेस करना है, देन आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है। ठीक है, समटाइम क्या होता है बच्चा इसको मिस कर देता है, आपने इसको मिस नहीं करना, आपने पहले टॉप से 7 स्टार्ट करना है, देन आपने नेक्स्ट नीचे आना है। ओके, ये देखें इस 7 को स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रेस करेंगे एंडिंग पॉइंट तक। ओके, वन स्लिपिंग लाइन, वन स्लांटिंग लाइन, इट्स मेक 7 जग। ठीक है, 7 जग, देखें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 जग में आप कोई सा भी कलर करेंगे, कलर करने से आपका काम बहुत प्यारा लगेगा। इसी तरह हम पैटर्न को फॉलो करते हुए इस फुल पेज पे 7 की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखें स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे स्लिपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन। ठीक है, आपने इस काम को, आपके पास पूरा एक हफ्ता है, इस काम को आपने पूरे एक हफ्ते में कंप्लीट करना है। ठीक है, और आपने बहुत ध्यान से और ख्याल से अपना सारा काम करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।